चलो कितनी बड़ी हो रही है, दो का धोखा है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त सोलन सभी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं प्रास बीन के रेटों में लगातार बढ़ोतरी सोलन सब्जी मंडी में देखने को मिली है और प्रतिदिन 3 से 4 रुपए प्रति किलो रेटों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रास बीन के भाव आज भी तेज रहे और सोलन सब्जी मंडी में प्रास बीन आज 73 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। पिछले कल प्रास बीन का जो रेट था वो 70 रुपए था और उससे पहले 66 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। आज भी फ्रासबीन के दामों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है और यह किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से फ्रासबीन के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार फ्रासबीन के दामों में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप मटर इस वक्त देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में पिछले काफ़ी समय से मटर की भारी मात्रा में आपूर्ति हो रही है और करसोल से यहाँ पर मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और यहाँ से सीधा मुंबई और अन्य देश भर की मंडियों में यहाँ से आपूर्ति हो रही है। आप देख रहे हैं कि ट्रक इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसमें मटर को लोड किया जाएगा। मटर की बात करें तो मटर के दामों में भी थोड़े तेज़ी अब दिखाई दे रही है और 40 रुपये प्रति किलो तक मटर के भाव सोलन सब्जी मंडी में अब पहुँच गए हैं। हालांकि यह भाव 20 रुपये से 40 रुपये के हैं। मटर की क्वालिटी के अनुसार ही मटर के दाम तय हो रहे हैं। लगातार बारिशों के कारण मटर को काफ़ी नुकसान भी हुआ है और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि किस तरह से ओलावृष्टि के निशान मटर की फलियों पर बाहर दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि मटर के जो दाम हैं उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाज़ारों में जो मंडियों में जो देश के अन्य मंडियाँ जहाँ पर मटर की आपूर्ति होती है वहाँ पर मटर के जो रेट हैं वो ओले के कारण कम हुए हैं और उसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जो मटर एक समय 75 रुपये प्रति किलो के आसपास यहाँ पर बिक रहा था अब वो 40 रुपये दाम हो गया है। खास बीन के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और आज लहसुन के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लहसुन 95 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज मैक्सिमम जो रेट रहे हैं वो 95 रुपये प्रति किलो रहे हैं और 95 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज लहसुन बिका है। हालांकि जो लहसुन के रेट हैं वो 35 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं और 95 रुपये पर ख़त्म हो रहे हैं। तो सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बात करें तो लहसुन की सबसे अधिक आपूर्ति हो रही है और जो आलू हैं आलू के दामों में आज ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। नगरोटा से यहाँ पर सोलन सब्जी मंडी में भारी मात्रा में आलू पहुंच रहा है और आप देख रहे हैं कि बोरियों में जो बंद है ये नगरोटा का आलू है जो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर आज बिका है, जबकि पहाड़ी आलू जो लोकल है सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंच रहा है पहाड़ी आलू के रेट 18 रुपये प्रति किलो रहे हैं। नगरोटा का जो आलू है वो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका है और टमाटर के जो दाम है उसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। 200 से 300 रुपये प्रति क्रेट सोलन सब्जी मंडी में टमाटर आज बिके हैं और आप देख रहे हैं कि जो गर्मियों का सीज़न जो इस वक्त लगभग शुरू हो ही जाता था लेकिन लगातार बारिशों के कारण अब उस सीज़न में मटर पहुंच रहा है। वो मटर हरियाणा से यहाँ पर इस वक्त आ रहा है और बीच में आजकल थोड़ी नेट में भी समस्या है, उसके कारण भी थोड़ी दिक्कतों का सामना दर्शकों को करना पड़ रहा है। बीच बीच में नेट के जो कनेक्शन है वो टूट रहा है और यही वजह है कि बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। सोलन सब्जी मंडी में आप देख रहे हैं कि आम की भरपूर मात्रा में और हमारे साथ इस वक्त किटू भाई भी जुड़ गए हैं जो इनकी यहाँ पर कर रहे हैं। किटू भाई नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी, प्रास बीन के क्या रेट रहे हैं? 73 रुपये बीन बिकी सुपर। 73 रुपये कहाँ की है? लोकल हमारी यहाँ की लोकल।
73 बैठे थे और जो हल्की के दामों में काफ़ी और जो हल्की भी ना हल्के भाव भी गई तो हल्का भाव क्या रहा 25, 30, 35, 50, 55, 60 जैसी क्वालिटी वाले थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किटू भाई बता रहे थे और काका भाई से भी जान लेते हैं सब्जियों के रेट की क्या रहा आज मार्केट में सब्जियों का। बिकिया जी 50 रुपये से लेकर 73 रुपये तक। खीरा बिका जिला 18-19 रुपये। सफेदा आम बिका 55 रुपये। और दशहरी आम आया था बहुत बढ़िया 50 से 55 बिका। आलू पहाड़ी जो है 18 से 20 बिका, एक गाड़ी 20 एक गाड़ी 18। और आपका प्याज 15 रुपये किलो, बंद गोभी 100 रुपये कट्टा। और कम्बलपुर से जो खीरे आया था 10 से 12 रुपये, बंद गोभी 100 रुपये। और अगर अच्छी बंद गोभी लाए कोई जिम्मेदार तो 200 रुपये कट्टा बिके जो पत्ता हरा लिया है पूरा दिन। और लोकल टमाटर जो आया था कम्बलपुर का 350 रुपये बिका, 350 रुपये। और खरबूजा जो है 20 रुपये, खरबूज 10 रुपये, भिंडी 28 रुपये। घिया जो है आज बहुत महंगा बिका, 22 रुपये किलो घिया बिका। गाजर 28 रुपये, मूली 20 रुपये किलो चौकी की। मटर जो है लोकल मटर आए थे जो आज ऊपर से वो 45 से 50 रुपये किलो मटर बिका। मटर में बहुत तेजी रही। फ्रास्बिन आपको बता दिया 50 रुपये ले लीजिए। फूल गोभी 45 रुपये किलो बिके और 40 रुपये। और लहसुन, लहसुन 105 रुपये। अच्छा 105 रुपये। 60 रुपये मीडियम गोली, 40। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी में से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सोलन सब्जी मंडी में आज सब्जियों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, पर लहसुन 105 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लहसुन सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है 105 रुपये लहसुन। और मटर में भी तेजी देखने को मिली है, मटर के जो अच्छी क्वालिटी का मटर है वो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। और फ्रांसबीन के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, फ्रांसबीन 73 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज मंडी में बिकी है। और जो फूलगोभी है, फूलगोभी 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज मंडी में बिकी है। यदि हम लोकल टमाटर की बात करें तो लोकल टमाटर 350 रुपये प्रति क्रेट गंबरपुर से यहाँ पर आया हुआ था, तो 350 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में बिका है। और बंद गोभी के जो दाम है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बंद गोभी यहाँ पर बिक रही है। शिमला मिर्च 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, भिंडी 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिकी है। तो सोलन सब्जी मंडी में आज सब्जियों में पिछले दिनों की तुलना में आज थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये किसानों के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि जो सब्जियों के दाम हैं मंडियों में वो लगातार गिरते जा रहे थे, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार बारिशें जारी है, सब्जियों का जो काफ़ी नुकसान हुआ है और सब्जियों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। तो कम उत्पादन होने के कारण आपूर्ति भी अब मंडियों में कम पहुँच रही है लोकल सब्जियों की। यही वजह है कि लोकल सब्जियों के जो रेट हैं उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। मटर की बात करें तो 50 रुपये प्रति किलो, फ्रांसबीन 73 रुपये प्रति किलो, लहसुन 105 रुपये प्रति किलो, और फूलगोभी 40 रुपये प्रति किलो, टमाटर लोकल 350 रुपये प्रति क्रेट, लोकल आलू जो सोलन के आसपास के क्षेत्रों का 18 रुपये प्रति किलो, और जो नगरोटा से पहुंचा हुआ है यहां पर आलू वो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज मंडी में बिका है। यदि प्याज की बात करें तो प्याज नासिक से यहाँ पर आ रहा है और प्याज 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में प्याज के रेट रहे हैं। बाकी सब्जियों के दामों में भी तेजी देखने को मिली है, भिंडी 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में बिकी है। फ्रांसबीन शिमला मिर्च के दाम भी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हैं, घिया भी 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिका है, और बंद गोभी सस्ती है, बंद गोभी 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। सब्जी मंडी से आज बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।